आलोक निरंजन धरती वासियों, बादल पर सवार बाबा पचा तुम्हारा भेज। मेरे बच्चों, जिस समय तुम्हारे पास आ रहा था, ध्यान से समझना, रास्ते में एक क्रूर ग्रह टकरा गए। बाबा, ये रोज हमारी पिटाई क्यों होती है? तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं ये चाहता हूं ये डंडा तुम्हारे पर बजता रहे जब तक तुम मेरे इन बच्चों को परेशान करोगे। तो आगे आगे वो ग्रह भाग रहे हैं, पीछे वो डंडा चल रहा है। चिंता मत करो, तुम बाबा शिव की आराधना करो मेरे बच्चों। आलोक निरंजन महेश शिवालो, महेश वालो मेरे बच्चों, बाबा शिव के कृपा से नौकरी में तुमको लाभ होगा और आज किसी खास व्यक्ति से तुम्हारी भेंट होगी। रुका हुआ कार्य पूरा होगा, ध्यान से मेरे बच्चों। ओम श्री महेश्वराय नमः, इस मंत्र को जपना मेरे बच्चों 108 बार। ये तो रही मेरे बच्चों की बात। भाई धराओ, अभी तक क्या बात है, सारा रंग लगा हुआ है चेहरों पर, रंग रंग पोता हुआ, अभी भी हटा नहीं क्या? मैं आज तुम्हारे से कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं, किसी से भी, ध्यान से समझ लो, और जिसकी गलती हुई रिमांड पक्का है। बस तैयारी कर लो, दो दिन नहीं बोला ना, दो दिन कोई प्रश्न नहीं पूछा। हाँ, अब पूछूं आज। वृष राशि वालों, वृष वालों मेरे बच्चों, सावधान, कहीं बुरी खबर ना मिल जाए आज। ध्यान से, क्रोध पर नियंत्रण रखना, और धन की समस्या मुझे दिख रही है। ये तो रही मेरे बच्चों की बात। शुक्र इधर आ जाओ। अगर बच्चों को टेंशन हो गई ना, तो मैं एक सेकंड में इसको चला दूंगा बस, और क्रोध भी नहीं आना चाहिए। ठीक करो, जल्दी करो, ठीक। तुमको इसलिए छोड़ देता हूं कि तुम हो तो गुरु ही ना, चाहे राक्षस हो गई हो, इसलिए बस। मिथुन राशि वालों, मिथुन वाला मेरे बच्चों, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। मन तुम्हारा थोड़ा दुखी दुखी सा है, बड़े बोलेंगे चिंता क्यों करते हो, हम बैठे हैं ना, और यहां क्या दिखता है, घर के अंदर मंगल कार्य होगा, यात्रा का फायदा होगा, यात्रा पे जा सकते हो। मगर मेरे बच्चों, ओम श्री महेश्वराय नमः, इस मंत्र को जपना है 6 मिनट। कर्क राशि वालों, कर्क वालों, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जीवन साथी से किसी बात पर बहस हो सकती है, और शाम को कोई खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि वालों, सिंह वालों, बाबा शिव की कृपा से रुके हुए तुम्हारे कार्य पूरे होंगे, खास तौर से जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में सफलता भी है बच्चों, धन भी प्राप्त होगा, मन को सुकून लगेगा। कन्या राशि वालों, कन्या वालों, कहीं ऐसा ना हो नौकरी छोड़कर आना पड़े, कहीं ऐसा ना हो जीवन साथी रूठ के घर चला जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि वाहन लेकर जाओ और दिक्कत खड़ी हो जाए। समझ गए मेरी बात को? कोई बात नहीं, ओम, मेरे साथ बोलो 3 बार, ओम श्री महेश्वराय नमः, ओम श्री महेश्वराय नमः, ओम श्री महेश्वराय नमः। अब 3 बार बोल लिया ना, तो मेरे बच्चों 3 मिनट बोलना है, अभी 3 बार बोला था। और बेटा, तेरे पे मैंने इसलिए सुता है राहु, बच्चों को टेंशन हो रही थी। बेटा तू 3 मिनट नहीं, 30 मिनट जप ले जल्दी से। आलोक निरंजन। तुला राशि वालों, तुला वालों, बाबा शिव की कृपा से रोजगार में लाभ होगा। संतान को लेकर जो टेंशन चिपाली हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। घर में खुशी होगी, मान सम्मान मिलेगा। मेरे बच्चों, ध्यान से 12 मिनट ओम श्री महेश्वराय नमः अवश्य जप लेना। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक वालों, सेहत का ध्यान रखना, नशे पानी से दूर रहना, इससे भी दूर रहना मेरा मशवरा है। और अतिथि आए तो ज्यादा बोलना नहीं, जिसको बोलते हैं बड़बोलापन, बड़बोलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटा मंगल ये इसलिए पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे बच्चों का मेहनत से कमाया हुआ धन है, माँ बाप कमाने जा रहे हैं, बच्चे को कुछ गड़बड़ दिख रही है, माँ बाप क्या करेंगे, अपना सर पकड़ेंगे ना, तो अपना सर
वो पकड़े मुझे दुख होगा, तो इसलिए मैंने इस डंडे से तुम्हारा सर पकड़ा था बेटा। अलख निरंजन, धनुराशि वालो, धनु वालो, सेहत परेशान कर सकती है, लेकिन आज मित्रों से कहीं पंगा ना हो जाए। और आज वाहन का भी ध्यान रखना, कहीं वाहन की मशीनरी खराब ना हो जाए। मकर राशि वालों, मकर वालों मेरे बच्चों, धन की प्राप्ति होगी, वाह, मान सम्मान मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं ध्यान से, जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जो न्याय करते हैं, आज का दिन उनके लिए बेहतरीन है। मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराना ठीक है। कुंभ राशि वालों, कुंभ वालों, विदेश यात्रा का योग है, मगर यह धन की हानि दिखती है, मगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, कोई बात नहीं, वाणी का इलाज अभी करता हूं, देखते रहो। ओम श्री महेश्वराय नमः, इस मंत्र को जप लेना मेरे बच्चों। कितनी बार जपोगे? इस मंत्र को जपना है मेरे बच्चों तुमने 51 51 51, मतलब 153 बार। ये तेरे बच्चों की बात, बेटा फनी तरह जाओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू ले लूं। अब ये बताओ, ध्यान से सुन ले मेरी बात को जो बोल रहा हूं। प्रहलाद को जानते हो या नहीं जानते? प्रहलाद को, ठीक है, प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था? राक्षस है वो भी, और हिंट दे रहा हूं तुझे, भगवान नारायण से देश रखता था वो, और प्रभु ने उसे चीर डाला। हिंट दे दिया, बता कौन था वो, बोल। अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूं, अभी तू करेगा ऐसे, अगर तूने सही उत्तर नहीं दिया तो इसको देख ले, ऐसे करना पड़ेगा अगर उत्तर नहीं दे पाए तो। प्रहलाद के पिता का नाम क्या था? भगवान नारायण से द्वेष रखता था, और भगवान नारायण इसका बता क्या नाम था, क्या नाम था? हिरण्यक्ष। अबे हिरण्यक्ष उसका भाई था, नहीं पता ना? अब मैं बताता हूं बेटा, उसका नाम था हिरण्यकश्यप, और उसने कहा था ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं किसी मानव से मरूं, और ना मैं किसी जीव से मरूं। तो भगवान नारायण ने पता है उसे कैसे मारा? भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप बनाया, आधे सिंह आधे मानव। और कहां हमारा पता है बेटा? चौखट होती ना, चौखट पे, ना धरती पे ना आकाश में, वहां पे नारायण ने, नारायण ने का देखना धरती सले, ना दिन है ना रात है, ना अंदर है ना बाहर है, ना मानव है ना कोई वो है पशु है, कोई नहीं, देख ना कोई हथियार। तो बेटा तूने गलत बोला था, कुछ ना कुछ सत्तर तुझे दे दूं। धरती आकाश अंदर बाहर ऊपर नीचे दिन रात, हां प्रश्न इतना बड़ा है तो उत्तर इतना बड़ा देना ही पड़ेगा। अलख निरंजन। मीन राशि वालों, मीन वालों मेरे बच्चों, ध्यान से, कहीं चलने फिरने में तकलीफ ना हो, होगा क्या, तलवों में कहीं दर्द ना हो जाए, घुटनों में कहीं दर्द ना हो जाए, लेकिन मान सम्मान है, कोई व्यक्ति आकर हाल चाल भी पूछेगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए मेरे बच्चों। ओम श्री महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप लेना कितना जल्दी बोलो, 33 99 बार, सुबह दोपहर शाम, बढ़िया ही बढ़िया। अलख निरंजन। धरतीवासियों, बादल पर सवर बाबा के ध्यान का समय आ गया मेरे बच्चों। अरे क्या मजाल इंद्र की भी, क्या मजाल इंद्र की भी, कि भगवान शिव के भक्तों से पंगा ले ले। तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, ओम श्री उद्ग्राय नमः, इस मंत्र को बार बार जपो, आज वैकुंठ में जाना है भगवान हरि के चरणों में, और कल फिर आना है। अलख निरंजन।